तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि हमारा बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। सो मूव ऑन, अब आगे चलते हैं जरा इसके अंदर, और हम यहाँ पे अब देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो नॉर्मली अकाउंटिंग के अंदर यूज होता है। अच्छा, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जरा ये देखते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर दो आपके पास समझ लें कि ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं अकाउंटिंग के अंदर ये कहना चाहूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है तो गलत ना होगा, यानी कि अकाउंटिंग को करने के दो तरीके मौजूद है। नंबर वन, सबसे पहला तरीका मेरे पास जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज एक्रुअल कॉन्सेप्ट, इसको कहा जाता है एक्रुअल कॉन्सेप्ट। और एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास दैट इज नोन एज कैश कॉन्सेप्ट। या हम इसको यू भी कह सकते हैं दैट इज नोन एज, यानी कि इस एक्रुअल कॉन्सेप्ट को एक और नाम भी दे सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग। और यहां पे हम इसको कह सकते हैं क्या, कैश बेस्ड अकाउंटिंग। दो हमारे पास यहां पे टर्म्स नॉर्मली या दो सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, कंसिडर एज अ सिस्टम, यानी कि दो सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। एक आपके पास कहता है एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग और एक आपके पास कहलाता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, और हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, हम कौन सी बेस अकाउंटिंग को बनाते हैं? सो एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग एंड कैश बेस्ड अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज को पहले क्लियर कर लें कि हम कौन सी अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे होंगे। तो नॉर्मली हम जो अपने पास फॉलो करते हैं दैट इज दी एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग, नॉट वी, बल्कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर नॉर्मली आपके पास एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग को ही फॉलो किया जाता है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग को इतना ज्यादा एडमायर या इतना ज्यादा एक्नॉलेज नहीं किया जाता। ऑल्दो हम दोनों को समझते हैं कि दोनों का फंडामेंटल क्या है, दोनों के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, उसको हम जरा देखेंगे इसके अंदर। सो व्हाट इज एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग एंड कैश बेस्ड अकाउंटिंग, सबसे पहले देखते हैं जरा कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहता है कि आपके पास जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आएंगे, कहता है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, जो भी आपके पास एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आएंगे, कहता है शुड बी रिकॉर्डेड। ओ माय गॉड, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है आपको, कहता है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को हमें रिकॉर्ड करना है। हमें ऑब्वियसली पता है, हम ये चीज देखते हुए आ रहे हैं कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी उन बिजनेस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने का नाम ही तो अकाउंटिंग है। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। चले, एक बहुत ही हमारे पास मेजर एनहेंसमेंट, एक बहुत ही ज्यादा हमारे मेजर हमारी नॉलेज के अंदर इंक्रीज हुआ, या हमें एक प्लस पॉइंट मिला कि हमें यहाँ पे कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या कह रहा है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। ओके, गुड, मूव ऑन। एक्रुअल सिस्टम को देखते हैं जरा। एक्रुअल सिस्टम क्या कहता है, एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज शुड बी रिकॉर्डेड। ओ माय गॉड सर, दोनों में फर्क क्या है, दोनों यही तो कह रहे हैं। कैश बेस्ड अकाउंटिंग भी ये कहता है कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड, एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम ये कह रहा है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का ऑब्जेक्टिव तो यही है, दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। यस, देयर इज अ डिफरेंस, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टाइमिंग। यानी कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहता है आपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन वो टाइमिंग बता रहा है कब। कहता है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड और रिसीव्ड एज द केस में भी। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंसेस की तो कहता है व्हेन दे आर पेड, और मैं अगर बात कर रहा हूं रेवेन्यूज की तो इसका मतलब क्या है, व्हेन दे आर रिसीव्ड। इट मींस कैश बेस्ड अकाउंटिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कैश। अगर कैश आपने पे कर दिया देन ओनली यू हैव टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस, अगर आपको कैश रिसीव हो गया ओनली देन यू हैव टू रिकॉर्ड द रेवेन्यूज, अदरवाइज अगर आपने कैश पे या रिसीव नहीं किया सो आप उस एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो व्हाट अबाउट एक्रुअल अकाउंटिंग सिस्टम, एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है, एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहता है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन। सो अब टाइमिंग बता रहे हैं कि कब रिकॉर्ड करना है, तो कहते हैं व्हेन दे आर इनकर्ड और अराइज। यानी कि टाइमिंग का डिफरेंस देखें, कह रहे हैं कि आपके पास एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को कब आप रिकॉर्ड करेंगे, कहता है एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना है कब,
व्हेन दे आर इनकर्ड और अराइज, जब वो एक्सपेंस या रेवेन्यू इनकर हो जाए, अराइज हो जाए, देन हम उस एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करेंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन कि ये इनकर या अराइज क्या है। आइदर आप इस इनकर्ड या इस अराइज को हम देखते हैं कि इनकर्ड और अराइज क्या है।